माइंड बॉडी को कंट्रोल कैसे रखता है, कैसे वो डिसीज को कवर करता है या हील अप करता है। माइंड दो तीन तरह से बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। पहला तो होता है क्रेनियल नर्व, जो सीधा ब्रेन से नर्व आती है। दूसरा होता है स्पाइनल नर्व और तीसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन तीनों की वजह से या ये तीनों उसके ऐसे हथियार है जिससे वो बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अगर माइंड हेल्दी होता है, मतलब पॉजिटिव है, रिलैक्स मोड में है, तो वो बॉडी ऑर्गन को ठीक से आराम से चलाता है। बट अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पर आता है। जैसे आप देखें, ड्राइविंग आप कर रहे हैं, आपका माइंड जब डिस्टर्ब है तो आपको ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है, आप कहीं मार देते हैं या ड्राइव अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारा माइंड बॉडी को ड्राइव कर रहा है। जब माइंड डिस्टर्ब है, जब ड्राइवर डिस्टर्ब है, तो गाड़ी में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो अच्छा ड्राइवर होता है वो बेकार गाड़ी को बड़े आराम से चला लेता है। इसी तरह से अगर आपको कोई डिसीज भी, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी है, बट अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप उसको भी बड़े प्यार से चला लेते हैं। और उसके अपोजिट अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो बॉडी भी उस पर रिएक्ट करती है। बॉडी और माइंड का ऐसा रिलेशन समझिए, जैसे आपके घर में आपका कोई बच्चा है जो थोड़ा फिजिकली वीक है या उसका बॉडी ठीक से काम नहीं करता। आप किचन में काम कर रहे हैं और वो बच्चा आपको हेल्प करा रहा है कि मम्मी लाओ मैं कुछ हेल्प करा देता हूँ। अब वो आपको हेल्प कराता है और आप उससे परेशान होके कि ये क्या काम कर रहा है, तूने ठीक से नहीं किया, आप दो चार बातें उसको बोल देते हैं, तो क्या होता है, उसका मोटिवेशन कम होता है और वो जो काम आपको हेल्प कराने के लिए कर रहा था वो उसको छोड़ देता है और आगे से भी सोच लेता है कि इनका तो मैं काम कभी भी नहीं करूँगा। ऐसा ही हमारी बॉडी चलती है। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को बार बार कोसते रहते हैं। जैसे किसी को घुटने में दर्द हो जाता है तो क्या बोलता है, अरे मेरे घुटने में तो हमेशा ही दर्द रहता है, ये घुटनों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। मतलब वो 10 बातें घुटने के लिए ऐसे जैसे बुराइयाँ उसकी बताते हैं। वो ये नहीं देखते कि गलती आपकी भी थी, आपने उसका केयर नहीं किया बहुत बार। क्योंकि डिसीज़ की अगर हम बात करें, कोई बीमारी एकदम से नहीं बनती। हमें दिखती है कि वो बीमारी एकदम से आई है, बट बीमारी कभी एकदम से नहीं आती। इवन आपको कफ कोल्ड भी होता है तो भी उसका रीज़न पीछे बैकग्राउंड होता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी पहले वीक होती है। नहीं तो कफ कोल्ड सबको क्यों नहीं होता, एक वेदर चेंज होता है। एक वेदर में तो मतलब सर्दी जब आ रही होती है तो कुछ लोग तो इन्जॉय करते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, और कुछ लोग कहते हैं अरे सर्दी आ गई हमें तो 10 बीमारियां हो जाएंगी, वो डर के घर से बाहर भी नहीं निकलते। सर्दियों में बारिश होती है, कुछ लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, उनको बहुत ठंडी ठंडी हवा बहुत आनंद देती है। और उसी के अपोजिट जिनको थोड़ा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है वो घर में छिपके रहते हैं कि अरे नहीं हम बाहर जाएंगे, प्रॉब्लम क्या वेदर में, प्रॉब्लम वेदर में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो आपकी बॉडी में है। इसी तरह से जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि नहीं हमें अपनी बॉडी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना, तो बॉडी भी अच्छा से रिस्पॉन्स करती है। जैसे हमने बच्चे का एग्जांपल दिया, अब उस बच्चे को ही उसके पेरेंट्स या कोई भी, हमने माँ की बात ली, जनरल में माँ ऐसा नहीं करती, बट और कोई आपका फैमिली का आपका भाई बहन है और आप उससे को बोलते हैं ये बेकार है, या कोई आपका दोस्त है, बट आप जब उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप बोलते हैं नहीं आपने जो किया बहुत अच्छे किया, आगे से आप बहुत और अच्छा करेंगे, तो ऐसे में वो और ज़्यादा कोशिश करता है बेटर करने की। इसी तरह से हम ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी को भी हील करने में। जब आपको कोई बीमारी है, अब लोग क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ घुटने दर्द का। जिसको घुटने दर्द है वो क्या बोलता है कि मेरे तो घुटने में हमेशा दर्द रहता ही है, जिससे मिलेगा बोलेगा इन्होंने घुटनों ने तो मुझे परेशानी कर दिया, मेरी लाइफ तो इन्होंने ख़राब कर दी, मुझे तो जैसे अपाहिज सा कर दिया, मैं अपने काम खुद नहीं कर पा रहा। वो क्या कर रहा है, वो सारे जो थॉट्स वो क्रिएट कर रहा है बॉडी के लिए, वो बॉडी में अंदर जा रहे हैं ये सारे थॉट्स। इवन आपका घुटना आपकी बॉडी सुन रही है, वो कैसा रिएक्ट करेगी। जैसे आपको कोई चार बातें गलत बोल देता है तो आपका मन कैसा हो जाता है, ऐसे ही आपको ये समझना होगा कि हमारी बॉडी सेल भी, इवन एक एक सेल बॉडी का सब कुछ सुनता है और वो वैसा ही रिएक्ट करता है। जब आपका ये थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव रहता है तो वो थॉट्स वो वाइब्रेशन बॉडी में जाते हैं। अब ये चीज़ खाली थ्योरेटिकल नहीं रही है, ये न्यूरोसाइंस प्रूफ कर चुका है, क्योंकि सारी नर्व सेंसेशन है जो आप सोच रहे हैं, थॉट क्रिएट कर रहे हैं, ये एक न्यूरल पाथवे है। आपने सोचा कि मैंने तो एक थॉट क्रिएट किया कि मेरे घुटने में दर्द रहता है, मैं इसने तो मुझे परेशान किया, बट अगर इसको न्यूरोसाइंस से आप देखेंगे, इसकी ब्रेन की MRI से या उसका पूरा डिटेल देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर मिलेगा। आपको पता चलेगा हजारों न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व हुए, हजारों तरह के केमिकल चेंजेस हुए और हजारों तरह के और प्रोसेस हुए जब जाके थॉट बॉडी में रिलीज हुआ। क्योंकि हम तो जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैंने एक नंबर डायल किया और अमेरिका में अपने एक दोस्त को मिलाया। अब मेरे लिए तो एक नंबर डायल करना और अमेरिका से कनेक्ट होना आम बात है, बट ये पीछे का प्रोसेस कितना बड़ा है। मैंने फ़ोन मिलाया,
फोन में डायलिंग बटन दबाया, उसके सिग्नल ऊपर सैटेलाइट में गए, वो सैटेलाइट से सिग्नल दूसरे सैटेलाइट से सीधा अमेरिका में गए, वहां से फिर वो टावर में गए, टावर से फोन में, मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा ही प्रोसेस हमारे माइंड और बॉडी का होता है, बट क्योंकि हमें वो प्रोसेस पता नहीं होता है तो हम बॉडी को उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं। तो आज से आपको ये चीज को बंद करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।